आपने कहावत तो सुनी होगी कि लोहे को लोहा ही काटता है, और इसी तर्ज पे पॉन्डिचेरी के वेक्टर कंट्रोल रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट चल रहा है। यहाँ पर मच्छरों द्वारा फैलने वाले डेंगू और मलेरिया का इलाज करने की कोशिश की जा रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने में ऑस्ट्रेलिया से लाए गए मच्छरों की मदद ली जा रही है। यहाँ लगभग 10,000 मच्छरों के अंडे लाए गए हैं और इसकी शुरुआत 2017 से ही हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की रिसर्च पहले से ही चल रही है और उसी रिसर्च को समझते हुए इंडिया ने इसे अंजाम दिया है। इस रिसर्च में मच्छरों में खास प्रकार का बैक्टीरिया डाला गया है जिसका नाम है वोलबाकिया। इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने बताया कि इस बैक्टीरिया के मच्छरों में चले जाने के बाद उस मच्छर के काटने पर भी डेंगू होने का खतरा नहीं रहता, और ये देखते हुए अब इस प्रजाति की संख्या को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है, जिसमें इन मच्छरों को किसी एक इलाके में छोड़कर ये देखा जाएगा कि इंसानों पर इनका कितना असर पड़ता है और डेंगू के मामले में कितनी कमी आती है। गाइस, अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको क्या लगता है कि हम कितना डेंगू और मलेरिया से बच पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।